गाइस, आज है संडे 22 जनवरी एंड आप देख सकते हो कि हमने कार यहाँ पे पार्क किया है और जो जगह हम आए हैं गाइस, उसका नाम है लेक साइड कैंपिंग एट कानवा। इसको हमने बुकिंग किया trilophilia.com से एंड इट कॉस्ट अस पर हेड अप्रॉक्स 2000 रुपीस, मतलब 1900 एक आदमी का पड़ा, वो लंच का इंक्लूसिव है, दैट इज़ इंक्लूसिव ऑफ लंच एंड डिनर ब्रेकफास्ट। यस यस, लंच डिनर ब्रेकफास्ट। हम लोग यहाँ पे कल शाम में 4:30 बजे आए गाइस और स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही अच्छे स्टाफ है एंड सब एक्टिविटीज़ अवेलेबल है। हमने कोई एक्टिविटी ट्राई नहीं किया क्योंकि हम बहुत लेट पहुँचे। चलिए गाइस, अभी चलते हैं अंदर और मैं देता हूँ आपको एक बढ़िया सा टूर। तो जैसे ही हम अंदर जाते हैं गाइस, गेट में लिखा हुआ है त्रिक्वेट्रा बाई एस्केप टू एक्सप्लोर। तो ये देखिए, यहाँ पे जिप लाइन, शायद यहाँ पे ऊपर चढ़ना होगा। यहाँ पे चढ़ के उस एंड तक आपको जाना पड़ेगा जिप लाइन के थ्रू। ये है इनका ऑफिस एरिया। जैसे आप आओगे, जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ये ऑफिस एरिया है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, आईडी कार्ड प्लस आपको एक बैंड दिया जाएगा और ये सब प्रोसेस हमने कल ही कंप्लीट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बहुत ही खूबसूरत टेंट है। ऑलमोस्ट दो बड़े बड़े टेंट है गाइज यहाँ पे और लेफ्ट साइड में छोटे टेंट्स हैं। तो हमारा टेंट भी आपको मैं बताऊँगा, लेकिन इससे पहले इस टेंट के बारे में बात करते हैं। बहुत ही नाइस टेंट है, इस टेंट को भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। शायद इन फ्यूचर मैं भी एक खरीदूँगा, अभी तक प्लान नहीं है गाइस, लेकिन देखते हैं। हमारे 5 फैमिली मेम्बर्स के लिए ये वाला टेंट बहुत ही अच्छा रहेगा। दो कंपार्टमेंट है, दो या तीन, नहीं नहीं तीन है। देखो, एक उस तरफ दो, एक हॉल। यस यस, है ना। तो गाइज ये है छोटे टेंट, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे भी काफ़ी सारे टेंट्स हैं। मैं बताता हूँ हमारा वाला, लेकिन राइट साइड में काफ़ी सारे लोग उठे हुए, जगे हुए हैं और क्रिकेट खेल रहे। एक देखिए, बहुत सारे टेंट्स हैं यहाँ पे, अभी भी काफ़ी सारे लोग सो रहे, काफ़ी लोग उठे हुए हैं। तो क्लाइमेट मतलब यहाँ पे बहुत ही ठंडा है फ्रेंड्स। इतने सारे जगह हम लोग गए थे उससे कंपेयर तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। तो काफ़ी सारे लोग अभी भी सो रहे हैं, स्नोरिंग की आवाज़ भी आ रही है। ये बहुत ही मेन अट्रैक्शन है गाइज, यहाँ पे एक बड़ा सा वेल है। ये सब एक्टिविटीज़ 8:30-9 बजे के बाद शुरू होते हैं गाइज। ब्रेकफास्ट के बाद सारे एक्टिविटीज़ दोबारा से शुरू होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको हमारा टेंट का एक ग्लिम्स दिखाता हूँ, एक झलक दिखाता हूँ, छोटा सा झलक। ये आराम से 4 लोगों के लिए टेंट है गाइज। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे जाते हैं और यहाँ पे देखिए हमारी जो छोटी बेटी है अभी भी सो रही है। ये देखिए बहुत ही बड़ा सा जगह है, आराम से अगर लाइन से सोएंगे तो 5 लोग भी सो सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्टिविटी एरिया, काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हो, मैं आपको बताऊँगा कुछ ही देर में। और हम जो जा रहे हैं एक बहुत ही, यस, ये फायर कैंप यहाँ पे था गाइस, एक दो फायर कैंप। मैं आपको एक मस्त सा व्यू दिखाता हूँ। ये प्रॉपर्टी के एकदम बगल में यहाँ पे लेक है, तो ये वाला व्यू ज़बरदस्त है गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने बैठने के लिए भी जगह है, ये वाला मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए गाइस, ये है लेक और शायद 8:30-9 बजे के बाद हम एक छोटा सा राइड जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी बैठने की जगह है, यहाँ पे जगह की कमी नहीं है गाइस। हर जगह आपको बेंचेस दिया गया है जहाँ पे आप बैठ सकते हो। यहाँ पे भी देखिए, शाम के टाइम पे मस्त चिल कर सकते हो आप। ये देखिए, अगर आप ये देखोगे तो गोवा की याद आएगी आपको। बस गोवा का और इसमें ये फ़र्क है कि ये पत्थर का है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्टिविटीज़ यहाँ पे अभी कोई नहीं कर रहा है तो आपको क्लियर से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब लोग एक्टिविटी करेंगे तो मैं आपको दोबारा से एक व्यू दूंगा। ये देखिए गाइस, मैं बोल रहा था आपको कि यहाँ पे बैठने की जगह काफ़ी है, तो ये देखिए यहाँ पे भी बेंच लगाया गया है, प्लस उनका रिजॉर्ट का नाम त्रिक्वेत्रा बाय एस्केप टू एक्सप्लोर, काफ़ी अच्छा ब्रांडिंग किया इन्होंने। जो भी यहाँ पे बैठता है, फ़ोटो निकालता है, ऑब्वियसली इनका ब्रांडिंग हो जाता है। तो गाइस ये है इस तरफ का व्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको गेमिंग एरिया बताता हूँ अभी। तो गाइस ये है टेबल टेनिस एरिया और वो है पूल। पूल का पता नहीं क्या सीन है, कवर्ड है शायद, कुछ मेंटेनेंस चल रहा होगा वहाँ पे, आप देख सकते हो आगे। और यहाँ पे हर जगह सॉकेट से गाइस, मेन इस एरिया में मैं बहुत टाइम स्पेंड किया हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो ये है रीज़न गाइस, आप देख सकते हो द रीज़न इज़ सॉकेट्स। यू नो आपको एक डेडिकेटेड एरिया होता है, उस एरिया में आके ही चार्जिंग करना होता है। तो ये है चार्जिंग एरिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सॉकेट्स है। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी गेट बंद है गाइस, नहीं तो ये गेट ये लोग खोल देते हैं। और मैं देख रहा था कोई तो स्विमिंग भी कर रहा था यहाँ पे, एंड ये वाले लेक में एक बोट राइड पे हम जाएंगे। तो आप देख सकते हो मस्त ठंडा सा क्लाइमेट है। चलिए गाइस मैं आपको ये वाला जगह दिखाना चाहता था, हम लोग खुद अभी तक ऊपर नहीं गए हैं, इसको कहते हैं बूजिंग एरिया। तो गाइस अभी हम जाएंगे ऊपर और देखते हैं ऊपर से व्यू कैसे लगता है। चलिए इसको बूजिंग एरिया भी कहते हैं, क्योंकि जिन जिन को ड्रिंक्स पीना है वो आके यहाँ पे ऊपर मज़े से ड्रिंक्स पी सकता है गाइस। तो क्लीन कर चुके हैं गाइस, ये देखिए ये डिफरेंस होता है यहाँ पे रात में। यहाँ पे रात में पार्टी चल रही थी, 20-25 लोग थे, बहुत ही प्लेट्स बॉटल से वो सब फैला हुआ था। और आप देखिए हम उठे आके देखते क्लीन, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज गाइस। बस हम यही चाहते हैं कि जब हम सुबह उठे तो आसपास क्लीन सा रहे। बस हर रिसॉर्ट ओनर को ये दिमाग में रखना होगा कि अपने स्टाफ के हाथों काम जल्दी से करवा दे। और इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से इन्होंने क्लीन कर दिया। मैं 5 बजे उठा था वॉशरूम को, 5 बजे से ही इनके स्टाफ काम पे लगे थे गाइस। तो ऐसे जगह पे दोबारा आना और इसको रेफर करना बहुत अच्छा लगता है। बस हमारा एज अ विजिटर, एज अ गेस्ट, हमारा बस यही एक्सपेक्टेशन होता है कि जगह क्लीन रहे। लेफ्ट ओवर्स सुबह सुबह देखना अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए गाइस, ये मस्त व्यू है और बहुत ठंडी सी ब्रीज आ रही है। तो गाइस ये देखिए व्यू, ऊपर का व्यू है, यहाँ पे बगल में फार्म है और पानी एंड टेबल्स मस्त है गाइस। देखिए बड़े बड़े से बैठने के लिए चेयर है, जो अच्छा सा फील आता है। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे मस्त व्यू है, आराम से बैठ के देख सकते हैं। और सुबह का व्यू तो गाइस पूछो ही मत, मस्त ठंडी सी हवा हमें मार रही है, कोल्ड ब्रीज हमारे चेहरे पे वो फील हो रहा है। और आप देख सकते हो कि लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है गाइस। तो यहाँ पे आप चाहे तो बैठ सकते हो दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे अपना ड्रिंक्स लाके खुद एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको ड्रिंक्स चाहिए तो यहाँ पे मिलेगा, ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, तो आप अपना बूज लेके, अगर पीने वाले लोग हो तो बूज लेके आ सकते हो। तो गाइस ये देखिए लेफ्ट साइड में ये है वॉशरूम लेडीज़ का, और जो राइट साइड है और ये मेन का वॉशरूम है। और बहुत ही बड़ा स्पेस है गाइस, कम से कम 15-20 लोग तो एक साथ में मेन्स हो या लेडीज़ वॉशरूम हो साथ में जा सकते हैं। ये देखिए बैठने के लिए मस्त जगह है गाइस, मैं आपको रेन डांस की जगह दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आराम से चिल मार के बैठ सकते हैं। और मैं आपको रैबिट भी बताऊँगा,
ये देखिए बैम्बू का एरिया, और फर्स्ट मैं आपको रेन डांस की जगह दिखाता हूँ गाइस। यहाँ पे म्यूज़िक चलता है, डीजे है यहाँ पे जो म्यूज़िक लगाते हैं, और यहाँ से पानी गिरता है ऊपर से, और बहुत बड़ी जगह है गाइस यहाँ पे डांस करने के लिए। मस्त हर टाइप के सॉन्ग्स लगाते हैं, क्योंकि मैं कल सुन रहा था हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, हर टाइप के सॉन्ग्स लगाते हैं। और काफ़ी बड़ा जगह है गाइस, बहुत सारे लोग एक साथ में यहाँ पे डांस कर सकते हैं। दिखाना चाहता हूँ यहाँ का एक वेल, लेकिन लगता है कि अभी लॉक्ड है गाइस, इन्होंने बंद कर रखा है। यस, इट इज़ लॉक्ड। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये गेट है, और यहाँ पे लाइफ जैकेट्स सब है, जो जो चाहिए। ऑब्वियसली डीप रहेगा। तो गाइस ये देखिए, ये है वेल यहाँ का, और इसमें लाइफ जैकेट पहन के आप जा सकते हो नीचे। तो शायद ये कुछ देर में खुलेगा, तो मैं आपको एक क्लोज व्यू दूंगा। यहाँ पे एक्टिविटी चल रहे, काफ़ी सारे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़ी सी ग्रुप है, तो अगर आप बड़े ग्रुप में आओगे तो ऑब्वियसली बहुत मज़ा कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको उस तरह से लेके जाता हूँ जहाँ पे रैबिट्स हैं। ये देखिए गाइस, ये है रैबिट का एरिया। यहाँ पे भी रैबिट है, यहाँ पे भी, और थे कहाँ गए, शायद उनके जगह अंदर है, अंदर कुछ तो बनाया इन्होंने घर वर, आप है ना। ये देखिए गाइस रैबिट अंदर चले जाते होंगे, सही कह रहे हो। चलिए गाइस, मैं आपको डाइनिंग एरिया दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, यहाँ पे कॉफ़ी, टी सब मिलता है। ये डाइनिंग एरिया भी है, ब्रेकफास्ट लंच करना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो काफ़ी बड़ा जगह है गाइस, आप आराम से बैठ के यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कर सकते हो। रात में यहीं पे सर्व किया था इन्होंने, तो अभी कॉफ़ी, टी मिल रहा है, गर्म पानी भी मिलेगा। यहाँ पे आप हैंड वॉश कर सकते हो, एकदम बगल में तो रेस्ट रूम, मेंस रेस्ट रूम, लेडीज़ रेस्ट रूम सब है। तो गाइस ये देखिए, एकदम ऑफिस के पीछे भी एक टेंट लगा हुआ है, शायद स्टाफ ने लगाया होगा, यहाँ के जो स्टाफ है। तो इसमें क्या है, इसमें डोसा है, ठीक है। चटनी गाइस अभी आएगा थोड़ी देर में, ये है सागू, स्वीट कॉर्न, राइट, एंड दिस इज केसरी पात। ये है वड़े, ब्रेड ऑमलेट एंड ब्रेड जाम, प्लस टी कॉफ़ी। चलिए गाइस, ये सब चीज़ यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मिलेगा।